हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान की धान खरीदी जा रही है उनकी जानकारी आप कैसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताऊँगा कि किस किसान कितने का धान बेचा है और कितने क्विंटल बेचा है, कितनी राशि का बेचा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए आप, यहाँ पे लिखिए सीजी खाद्य, ठीक है। सीजी खाद्य लिख के इंटर करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप शुरू में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, खाद्य NIC छत्तीसगढ़, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, चलिए क्लिक कर दिए इस तरह से। फिर से अगला पेज आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर शुरू में जन भागीदारी, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। फिर से अगला पेज ओपन होगा हमारे सामने कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इधर लिखा हुआ है इस साइड में, राइट साइड में 19-20 देख सकते हैं, 2019-20 की धान खरीदी की जानकारी, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना होगा, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे में किसानों का विवरण, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको 18-19 की धान खरीदी की जानकारी देखना है तो यहाँ 18-19 वाले में जाके ये जो लिखा हुआ है किसानों का विवरण शुरू में, इस पर क्लिक करना होगा। तो इसमें क्लिक करके आप पुराने किसानों का धान कितने का बिका हुआ है 18-19 में, कितने का बेचा था, उसकी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी करें का देखते हैं कि कौन कौन किसान कहाँ धान कितने का बेचा हुआ है अभी तक, ठीक है। इसकी जानकारी के लिए हम क्लिक करते हैं यहाँ किसानों का विवरण में, ठीक है, चलिए क्लिक कर दिए। अब फिर से हमारे सामने नया पेज ओपन हुआ है, इस तरह से पूरे हमारे ज़िले आ गए, जितने भी ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के उन सभी ज़िले आ चुके हैं, देख सकते हैं पूरे 27 ज़िले यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप जिस भी ज़िला से देखना चाहते हैं आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मेरा मुंगेली ज़िला है, मैं मुंगेली ज़िला का देखना चाहता हूँ तो मुंगेली ज़िला क्लिक किया, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। अब मुंगेली ज़िले के अंतर्गत जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं उनकी जानकारी आ गई हमारे सामने, देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पूरे आ चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा केंद्र आपका आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, चलिए कोई भी क्लिक कर देते हैं, चलिए जैसे हम पहले नंबर पे ही क्लिक कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, चलिए क्लिक कर दिए। अब जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर का जितने भी किसानों की धान खरीदी गई है अभी तक, ठीक है, बकायदा डेट टू डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लाल कलर में लिखा हुआ है जिनका चेक ऑनलाइन भुगतान नहीं बनाया गया है, यानी जो लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है जो किसानों का नाम, उनका जो है अभी ऑनलाइन चेक भुगतान नहीं बनाया गया है, और जिनका नीले कलर में दिखा रहा है उनका बन चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला नंबर दिया है, फिर किसान का क्रमांक है, फिर किसान का नाम है, उसका पिता पति का नाम है, यदि खरीदी का दिनांक है, किस दिन इसने बेचा है, ठीक है, और कुल भुगतान है, इसका राशि है, कितने का बेचा है, धान है मोटा है कि पतला है, कितना मोटा है बेचा है, कितने क्विंटल में है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी किसान की जानकारी देख सकते हैं कि कौन सा किसान अभी तक बेच चुके हैं और कितने का बेचे हैं, ठीक है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इसी की जानकारी आपको बताने वाला था। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नमस्कार।